हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और मैं अभी वे फ्री हुई हूँ। मतलब मेरे लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस आया है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। वैसे भी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मैं ब्लॉग बनाऊँ, बट मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था और आप सब मुझे बोल रहे थे ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैंने फाइनली सोचा चलो आज मैं ब्लॉग बना ही लेती हूँ, क्योंकि आप सब ने मुझे बहुत बार बोला है और मैं सभी को बोल रही हूँ मैं जल्दी बनाऊँगी बट मैं बना नहीं पा रही थी। तो चलो फाइनली आज मुझे टाइम मिला है, तो मुझे लगा चलो इसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो सबसे पहली बात ये है कि मैं जहाँ अभी रह रही हूँ, तो हम ये है मेरे क्वार्टर में मैं रहती हूँ। मेरे हस्बैंड जहाँ सर्विस करते हैं वहीं से हमें क्वार्टर अवेलेबल है, तो वहीं रहते हैं। तो मेरा ये क्वार्टर जो मैं यहाँ रह रही हूँ ग्राउंड फ्लोर का है, तो अभी फ़िलहाल हम इसे चेंज कर रहे हैं, इसे हम फर्स्ट फ्लोर में जा रहे हैं। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए मुझे पैकिंग करना पड़ रहा है, तो अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैंने बहुत पैकिंग करना बाकी है, थोड़ा बहुत मैंने पैकिंग किया है। तो और ये फर्स्ट चेंज है कि मुझे पैकिंग करने की वजह से मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है, और इस बीच में जो टाइम मिल रहा है उसमें खाना बनाना और भी थोड़े बहुत काम इंक्लूडेड है, और उसके साथ 2-3 वीडियो जो मैं अभी रिसेंटली दे रही हूँ मैं वो दे देती हूँ। और उसके सेकंड है कि मेरी डॉटर श्री जो कि अभी स्कूल में जाना शुरू हो चुकी है, तो आपको पता है कि बच्चे फर्स्ट टाइम सब स्कूल में जाते हैं तो उनका रोना रहता है और स्कूल में मन नहीं करता, ये सब बहुत कुछ चल रहा है। तो श्री के साथ क्या है कि फर्स्ट डे जब वो गई थी तब वो बिल्कुल बहुत रो रही थी, देन अब क्या होता है कि वो सुबह जल्दी उठ के बोलती है उसे स्कूल जाना है, और मतलब स्कूल जाने के लिए वो हमेशा मतलब तैयार है। और मुझे क्या लगता है कि पता नहीं स्कूल में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो टीचर्स के साथ रिस्पॉन्स ठीक ही है, और बस एक रिपोर्ट है कि वो क्लास में स्टिल बैठती नहीं है, वो इधर उधर घूमती रहती है। मतलब क्लास में बैठ के क्या करना है, क्लास में पूरा घूमते फिरते टीचर्स की बातें सुनेगी, टीचर जो पूछेगी रिस्पॉन्स करेगी, मतलब इस टाइप से चल रहा है। तो जो मेरे लिए मैं उसे हमेशा बोल के भेजती हूँ कि तू क्लास में बैठे रहना, बट वो सुनती ही नहीं है मेरी बात, बोलती मुझे बोलती ठीक है। अब मुझे पता चल रहा है कि हमारे पेरेंट्स जब हमें कुछ बोला करते थे तो हम बोलते थे ठीक है हम सुन लेंगे, बट हम उसे सुनते कितना थे वो अब मैं खुद रियलाइज़ कर रही हूँ जब मेरी बेटी स्कूल में जा रही है। और स्कूल होता है 8:45 से शुरू होता है, तो सुबह से उसे नहलाना धुलाना उसके बाद उसको ले जाना। तो हमारे यहाँ से मतलब उसके स्कूल मेरे यहीं कॉलोनी के अंदर ही स्कूल है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 10 मिनट का रास्ता होगा। और मैं उसे स्कूटी लेके जाती हूँ, पहले मैं 2 दिन में उसे बस में लेके जा रही थी, मतलब स्कूल की बस है वो उसमें लेके जा रही थी, बट क्या हो रहा था कि उसकी स्कूल जल्दी छुट्टी हो जाती है, 11 बजे छुट्टी होती है, 11 बजे मतलब 10:55 में छुट्टी होती है उसकी। और जब यहाँ से मैं जब सुबह से छोड़ने के लिए जा रही थी 8:20 में बस आ रही थी उसकी, उसे मैं स्कूल में रख रही थी, उसके बाद क्या हो रहा था रिटर्न आने की कोई बस नहीं है। अब मैं जब रिटर्न धूप में चल के आ रही हूँ उसके बाद फिर उसे लेके जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने क्या किया है स्कूटी में उसे छोड़ने के लिए जाती हूँ, देन मैं उसे क्लास में छोड़ के उसके बाद देन मैं रिटर्न आ जाती हूँ, उसके बाद घर का थोड़ा बहुत काम जो रहता है खाना बनाना थोड़ा सा रहता है उसे बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं उसको 10:45 में मैं घर से निकलती हूँ, देन मैं उसे पिकअप कर लेती हूँ। बस इसी टाइप से मेरा रूटीन चल रहा है। फिर उसके आने के बाद उसे फिर खिलाना, उसे थोड़ा सा पूछना क्या कराया है क्या होमवर्क, ये सब मतलब बिजी शेड्यूल में है, मतलब ये चल रहा है, ये सब फिलहाल मेरी लाइफ में इतना कुछ चेंज आ चुका है। तो अभी जैसे मैंने बोला आपसे बातें करते करते घड़ी में 10:20 बज चुके हैं और मैंने अभी तक सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो चलो किचन में चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद बाकी गपशप करेंगे, तो चलो किचन में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर चाय बिठा दी है और यहाँ पर मैंने परोठा बनाया है, ये है गाजर का परोठा, तो मैंने कल रात को बनाया था तो थोड़ा सा बच गया था आटा, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, फिर मैंने अभी इसे बना दिया है, तो गाजर का एक परोठा खाऊंगी और चाय उसके साथ चाय लूंगी। Thank you.
फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 10:45 और मैं अभी जा रही हूँ श्री को स्कूल से पिकअप करने के लिए। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने थोड़ा बहुत लंच भी बना दिया है, तो अभी बाद बाकी लंच मैं रिटर्न आने के बाद बनाऊँगी। और तो चलो पहले श्री को स्कूल से लेके आते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ श्री का स्कूल, श्री से भी मिलाती हूँ। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी स्कूटी, तो मैं इसमें जाऊंगी। तो चलो पहले स्कूटी चलाते वक्त तो मैं आप सबसे बात नहीं कर सकती, तो पहले मैं उसके स्कूल में पहुंचती हूँ, देन मैं आप सबसे बात करती हूँ। तो मैंने उसके लिए कैप ले लिया है क्योंकि बहुत बाहर धूप है। चलो बाद में बात करते हैं। तो ये रही श्री, मैंने श्री को स्कूल से पिकअप कर लिया है और उसके फ्रेंड्स जा रहे हैं वहाँ पर। उनका क्वार्टर सामने ही है, जो सामने की बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं वहीं पे उसका क्वार्टर्स है। आए चले 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 चले। तो फ्रेंड्स मैं श्री को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ, उसे मैंने फ्रेश कर दिया है और वो अभी चॉकलेट बिस्किट खा रही है। तो चलो पहले मैं उसे आपको मिला देती हूँ और उसके बाद मुझे बाकी का बचा हुआ जो मैंने लंच थोड़ा सा मैंने बनाया था, मैंने दाल बना लिया था, एक सब्जी बना दी थी और अभी मुझे और एक सब्जी बनानी है और राइस बनाना है। तो ये मेरे पास काम है तो मुझे अभी वो भी करना है। तो साथ ही साथ थोड़ा सा मैं आपको श्री से मिला देती हूँ। तो श्री की आप देख सकते हो आने के बाद, आप देख सकते हो डाइनिंग टेबल तो पूरा बिखरा पड़ा है क्योंकि उसका स्कूल बैग, ये रहा देखो ये रहा स्कूल बैग, उसकी बुक्स, माय गॉड उसकी मतलब इतनी ज़्यादा बुक्स है, इतना ज़्यादा मतलब पढ़ाई, मतलब मैं आपको उसके बुक्स भी दिखाऊंगी कि उसकी क्या क्या बुक्स है। पहले चलो श्री के पास चलते हैं रूम में और तो फ्रेंड्स ये रही श्री। तो श्री हेलो बोलो। हेलो। गुड मॉर्निंग बोले था। गुड मॉर्निंग। तो अभी गुड मॉर्निंग बोला जा सकता है क्योंकि अभी 11:20 बज रहे हैं। और तो श्री तुम्हें की खाचो देखी था तो तो उसे चॉकलेट बिस्किट मैंने दिया है और ठीक है। तो चलो अब मैं आपसे उससे बात करवाऊंगी वो क्या पढ़ रही है क्या नहीं पढ़ रही, उसकी बुक सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो पहले मेरा काम कर देती हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और फिर लंच का मतलब बहुत देर। तो चलो सबाई के प्रथम ABCD सुनी दाओ तो। तो उसने तो ये मतलब राइम्स टाइप से सीखा हुआ है मतलब वीडियो देख के, और वैसे उसे मैंने लिखना भी सिखाया है तो मैं आपको शाम को दिखाऊंगी कि वो क्या लिख रही है। ओके तो चलो तो फ्रेंड्स मेरा लंच पूरा कंप्लीट बन चुका है और मैं अभी लास्ट रायता बना रही हूँ। तो रायता के लिए मैंने यहाँ पर अमूल का मस्ती दही लिया है ये वाला पैकेट में। तो मैं बीच बीच में घर में ही मैं जमाती हूँ बट ख़त्म हो चुका था तो मैं श्री को स्कूल में लेने के लिए गई थी तो मैं मार्केट से ये दही भी लेके आ गई हूँ। तो मैं इसमें टमाटो और कुकुम्बर दूंगी तो आती हूँ, और उसमें बोंदे हैं मेरे पास, बोंदों को भी दे दूंगी। तो अच्छा लगता है इन मतलब गर्मी में रायता खाना, बहुत पेट ठंडा रहता है दही वाला रायता, तो वही मैं बस ला। आज मैंने लंच में बनाया है
ये करेला आलू को मैंने फ्राई किया है, ये लौकी और आलू का पोस्तू है, ये आम की चटनी है, पापड़ है, मूंग और मसूर दाल को मिक्स करके दाल है, और ये पत्ते गोभी की सब्जी है, और ये रायता है और राइस है। तो यही आज है, तो ये मैंने हस्बैंड को सर्व किया है। और श्री करेला आलू फ्राई नहीं खाती है और रायता भी नहीं खाती है। तो अभी मैं श्री को लंच करा रही हूँ। तो ये रही श्री। तो श्री हेलो बोलो। हेलो। बोला मैं लंच कोड छी। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले श्री को सुलाया है। और तो मैंने इस बार माई एनवी बॉक्स मैंने ऑर्डर किया था, तो ये रहा एनवी बॉक्स तो मैंने ऑर्डर किया था। तो पहले सोच रही थी इसका अलग से वीडियो बनाने से अच्छा है इसी ब्लॉग में आप सबको दिखा दूँ इसके अंदर क्या है। तो बहुत ही पहले सबसे बड़ी बात है ब्लॉग, ये जो बॉक्स है बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छा फ्लावर्स बने हुए हैं आप देख सकते हैं, और इसका ये जो मैग्नेटिक है जो कि मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत स्टेडी है। मुझे तो इसका बॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसके अंदर के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे, मेरे काम के बड़े प्रोडक्ट है। तो सब बहुत अच्छी तरह से पैकेजिंग में आया है, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने इतनी जल्दी डिलीवर दिया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास ये 4 दिन पहले आ चुका है, और मैंने इसे दिया था 13 अप्रैल को दिया था मैंने ऑर्डर, तो उसके बाद इतनी जल्दी आ चुका है, मुझे बहुत पसंद आया। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मिली है, इसमें मतलब फुल साइज़ के प्रोडक्ट मिलते हैं सारे के सारे। तो इसमें आपको 5 प्रोडक्ट मिलता है, और ये एनवी बॉक्स जो है वो है 850 रुपीज़ का आता है। और इसके अंदर सबसे पहला जो प्रोडक्ट मिला है परफ्यूम बॉडी मिस्ट, जो बॉडी मिस्ट मिला इसका स्मेल इतना अच्छा है, मतलब इन्होंने 3 तरह के मतलब वो है फ्लेवर है, बट मुझे जो मिला है ओ माय गॉड इतनी अच्छी स्मेल है, माय गुडनेस बहुत बहुत अच्छा, बहुत मतलब इसे मैं लगा लेती हूँ सुबह ही, मतलब श्री को छोड़ने स्कूल छोड़ने जाने से पहले मैं लगा देती हूँ, और ये बहुत अच्छे तरीके से रहती है स्मेल इसकी। और इसके बाद है स्लीपिंग जेल है नेचर्स को का, ये स्लीपिंग जेल है, तो मैं इसे 3 दिन हुए यूज़ कर रही हूँ, तो फिलहाल अभी तो कुछ असर नहीं दिख रहा है, तो देखते हैं ये बॉडी ये प्रोडक्ट ख़त्म होने के बाद अगर ये अच्छा रहे तो मैं अलग से इसे ऑर्डर भी करूँगी, अगर अच्छा रहे तो। वैसे तो बहुत अच्छा है, रात को सोने से पहले एज अ नाइट जेल एंटी एजिंग क्रीम इस टाइप पर्पज़ के लिए यूज़ होता है बहुत। और उसके साथ है एक फेस पैक मिला था जो कि मॉम्स थेरेपी हर्बल फेस पैक है ये, तो इस टाइप का ब्राउन कलर के से, तो मैंने इसे 2 दिन यूज़ किया है, ठीक ठाक है, ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, लेकिन चलो मतलब यूज़ कर लेंगे फेस पैक तो जैसा भी हो स्किन के लिए अच्छा ही रहता है, आपकी स्किन को टाइट रखता है, पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए। और उसके साथ मेरे काम की चीज़ है घर सर, सबसे बड़ी बात है गर्मियों में मेरे साथ बहुत ज़्यादा होते हैं आप देख सकते हैं, थोड़े बहुत पिंपल्स ऐसे निकल ही जाते हैं, तो उसके लिए ये जो है एक एक्नी सिरम इसके साथ आया है, जो कि मुझे सबसे इन सब प्रोडक्टों में से सबसे अच्छा मुझे ये एक्नी सिरम लगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये काम कर रहा है, क्योंकि मैंने इसे जिस दिन आया था उस दिन ही लगाया था, उसके बाद मतलब ये बहुत अच्छा है, मतलब मेरे ख्याल से ये ड्राई कर रहा है, अभी तो फिलहाल मुझे इस टाइप से लगा है, तो इसके साथ कोई पंप नहीं आया था, तो मेरे पास एक मतलब पंप था मतलब यूज़ नहीं किया था, श्री का एक ड्रॉपर मेडिसिन था तो उसके साथ एक ड्रॉपर आया था, तो मैंने इस ड्रॉपर को यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मैं मेडिसिन उसको मेडिसिन होता है उसका जो कैप रहता है उसी से खिला देती थी, तो ड्रॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो वो ड्रॉपर बिल्कुल नया था, तो मैं इसी को इसके साथ यूज कर रही हूँ, तो मेरे लिए प्रॉफिट हो गया, तो मैं ये लगा रही हूँ। और उसके साथ एक ही लिपस्टिक आया है जो कि मैट लिपस्टिक है, और साथ ही साथ है बेला बोसे की लिपस्टिक है, और इसका शेड जो है आप देख सकते हैं मैंने लगाया, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, बहुत बिल्कुल नेचुरल है, पता ही नहीं चलेगा आपने लगाया है, जो कि मॉइस्चराइज भी रखेगा आपके लिप्स को और अच्छा भी रहेगा, और बस मतलब प्रॉफिट का प्रोडक्ट है। तो ये सब इस बॉक्स के अंदर आया, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है, मुझे एक्ने सिरम सबसे अच्छा लगा, सेकंड मुझे लगा इसका जो बॉडी मिस्ट है, बाद बाकी जो स्लीपिंग जेल और जो इसका जो ये पैक है वो मुझे ठीक पता नहीं चल रहा कैसा है, क्योंकि पैक मुझे नॉर्मल लगा, इससे अच्छा तो मुल्तानी मिट्टी मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक ही है, बट यूज़ करने के बाद कुछ अगर असर रहे तो पता चलेगा। और स्लीपिंग जेल तो अभी फ़िलहाल लगा रही हूँ, तो
देखते हैं कुछ रिजल्ट कैसा आता है। तो अभी तो मैं शूट करने वाली हूँ एक वीडियो जो कि आप सबने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है, मंदिरा वेदी का ड्रेपिंग स्टाइल का साड़ी, तो वही मैं अभी आपको शूट अभी शूट करूँगी। तो उससे पहले मुझे लगा कि ना मैं एनवी बॉक्स में क्या क्या इस बार का एनवी बॉक्स में दिया है मैं आप सबके साथ शेयर कर लूँ, तो अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो चलो पहले मैं वीडियो को शूट कर लेती हूँ, उसके बाद हम चेक करेंगे। ओके तो फ्रेंड्स, मैंने मंदिरा वेदी के स्टाइल में साड़ी पहन ली है जैसे कि आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लुक आया है। तो मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ, ये कैमरे को ठीक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं और बहुत इजी है, जो पल्लू से कैसे संभालूं कैसे क्या करूं आप इस टाइप से पहन सकते हैं, अच्छा लुक आएगा। पार्टी वेयर है, फ्रेशर्स जो भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स है जो उनके पार्टीज में पहनने के लिए या मैरिज पार्टीज में कम एज की या मिडल एज की लड़कियां से पहनती तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुतों को ऐसा स्टाइल अपनाते हुए देखा है और बहुत अच्छा भी लगता है, तो इसे ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ हैवी साड़ी की ज़रूरत नहीं होती है, आपको लाइट वेटेड साड़ी लेनी है, क्योंकि गले में अगर आप हैवी प्लेटेड सिल्क की साड़ी हो या तात की साड़ी हो या और भी जो गॉर्जियस साड़ी रहती है, उन सब साड़ियों को अगर आप गले पे ऐसे लपेट के रखोगे तो आपका गला जैसे कोई दबा रहा है उस टाइप से लगेगा। इसलिए आपको सॉफ्ट, जैसे मैंने ये शिफॉन की साड़ी ली है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही कम्फर्टेबल है, और गले में आप ऐसे रैप भी कर सकते हैं जो कि मैंने किया है राइट नाउ, और बहुत अच्छा लुक आ रहा है। तो चलो मैं पहले झटपट इसे चेंज करती हूँ, देन मैं आप सबसे बात करती हूँ। और अभी इसे शूट करते हुए बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि बीच में मैं शूट करते करते मेरे घर में थोड़े से आसपास के लोग आ गए थे, उनसे थोड़ी सी बातें करनी की, फिर वो गए, उसके बाद अगेन मैंने शूट किया। तो इस टाइप का थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो होता ही रहता है। तो अभी मुझे श्री को उठाना है क्योंकि उसे मुझे पार्क में ले जाना पड़ेगा, उसके बाद उसे स्टडी कराना है, बहुत कुछ काम है, साथ ही साथ आप सबसे बात भी करते रहना है। तो फ्रेंड्स, मैं पार्क से श्री को लेके आ चुकी हूँ और अभी बज चुके हैं 7:15 और बहुत देरी हो गया क्योंकि श्री तो पार्क से आना ही नहीं चाहती थी, खेली जा रही है, और उसका फ्रेंड भी उसे मिल गया था पार्क में, जिस वजह से वो दोनों खेले जा रहे थे। तो मुझे लगा चलो खेल रही है खेल लो, और वो इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। और अभी मैंने उसे फ्रेश किया है और उसे मैंने सैंडविच दिया है, और अभी मैंने अपने लिए चाय बिठा दी है, तो मैं चाय पीऊँगी, और उसके बाद श्री को पढ़ाना भी है, उसे होमवर्क भी कराना है। तो कल उसके क्या क्या पीरियड्स है उसे देखना पड़ेगा कि क्या पीरियड में उसे क्या क्या है पढ़ाना पड़ेगा। और डेली उसके उसे 4 पीरियड्स होते हैं, और मतलब थर्सडे को मेरे ख्याल से पीटी है और म्यूजिक क्लास रहता है उनका। तो मतलब बच्चे क्या करेंगे, उनको संभालना ही मुश्किल है, कोई बच्चा इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, पता नहीं कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि गार्जियन को अलाउ ही नहीं है स्कूल के अंदर घुसने का, मतलब सिर्फ सुबह छोड़ने के लिए जाने के लिए स्कूल के गेट में छोड़ने के लिए देते हैं, उसके बाद अंदर जाने नहीं देते, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं पेरेंट्स को देख के रोने शुरू हो जाते हैं, कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए क्या करते हैं उनके टीचर्स बोलते हैं कि आप सब जाओ हम बच्चों को कंट्रोल करेंगे, तो गेट के अंदर छोड़ के हम वापस आ जाते हैं, उसके बाद फिर अब लेने के लिए जाते हैं जैसे आपने देखा, उसके बाद फिर वो हैंड ओवर करते हैं बच्चों को, उसके बाद हम लेके आ जाते हैं। इसी टाइप से चलता है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। श्री तो पूरा एग्जैक्ट डिटेल भी नहीं बोलती कि मुझे ये पढ़ाया मुझे ये किया, मुझे खुद देखना पड़ता है क्या किया कि नहीं, टीचर्स को फ़ोन करके पता करना पड़ता है, मतलब इस टाइप से ही चल रहा है। तो जो भी न्यूली पेरेंट्स है, न्यूली पेरेंट्स मीन्स जिनके बच्चे अभी न्यू स्कूल जा रहे होंगे, वो सब यही फेस कर रहे होंगे जैसा मैं फेस कर रही हूँ, तो मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो अच्छा भी लग रहा है और टेंशन भी हो रही है, पता नहीं कैसा वो करेगी कर रही है क्या नहीं कर रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। और चलो मैं अभी थोड़ी देर के बाद मैं चाय पी रही थी, उसके लिखो ए ए राइट हैंड लिखो ए बी सी 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 टा एदी के नय एदी डी 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 टा लेखो ভালো করে ধরো বিটা ভালো করে ধরো পেন্সিল ধরো জি হ্যাঁ ই লেখো ই লেখো ই
वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। होप आपने ये वीडियो इंजॉय किया होगा, और अगर इंजॉय किया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।